सो गाइज, अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, 10 to 20,000 rupees अर्निंग करना चाहते हो पर वीक अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, चाहे आप अभी काम कर रहे हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो फिर भी आपको एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग करनी है, देन यू गाइज कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी चेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज का वीडियो है बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कुरान क्लास 85। एंड आज कुरान क्लास 85 हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। एंड आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब लोग तुर्की और सीरिया के लिए दुआ ज़रूर करें, और उनके लिए आप अगर कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से ज़रूर करें, अपने हिसाब से करें बट करें ज़रूर, ठीक है? ऐसा ना हो कि ना करें। हर एक इंसान 10 रुपये तो एटलीस्ट निकाल ही सकता है, राइट? चाहे वो कितना भी गरीब है, तो वो एक इंसानियत के लिए है ना, आपको करना चाहिए, ये हमारी दरखास्त है। सो लेट्स स्टार्ट दिस देते हैं, अल्लाह भी उन्हें धोखा देगा जैसा कि उसकी शान के लायक है, ये कर लेता। इन्होंने तर्जमा किया पीर करम शाह साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें सजा देने वाला है। वह हुआ खाद ही उमदा तर्जमा ये करता है, सजा देने वाला, और बैकेट में लिख दिया इस धोखाबाजी की, धोखे का लफ्ज फिर काफरों की तरह मनसूब कर दिया। ये अल्फाज का खिलवाड़ है जिसमें यह कौम उलझी हुई है। अल्लाह ने सादा जुबान में कुरान नाजिल किया था इसका, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जो बिल्कुल एक न्यू मुस्लिम या कोई काफिर जो अरबी जानता है ना, जो कुरान का तर्जमा वो ले रहा है ना, वो वही तर्जमा होगा जो सहाबा किराम ने पहली दफा कुरान को सुन के समझा होगा। यानी अगर आप काफिर के सामने लिखें कुरान में लिखा है इया का नअबुदू व इया का नस्तईन और उसे अरबी भी आती हो, या आप उसे तर्जमा करके अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तुझी से मदद मांगते हैं, उसको कहेंगे कि बाल लोग बाबों को पुकारते हैं, कहेगा नहीं नहीं ये तो कुरान के खिलाफ है। लेकिन जो पुकार रहा है ना मुसलमान, वो नहीं मानेगा क्योंकि वो प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के साथ। वइज़ा क़ामू इलस्सलाह क़ामू कुसाला, और अगर ये नमाज के लिए खड़े भी होते हैं ना तो बड़े बोझ दिल के साथ, जाहिर है कि अब एक काम आपने करना ही नहीं, बगैर वजू के भी खड़े हो जाते होंगे। क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में अगर कोई बीमार भी होता था ना तो दो बंदों के सहारे वो घिसटता हुआ भी मस्जिद में आता था, कहीं उसे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए, क्योंकि उस जमाने में नमाज छोड़ने वाला या काफिर होता था या मुनाफिक। आजकल का तो मुबारक दौर नहीं था ना कि जो मर्जी करे मुसलमान ही रहे, और सबसे बड़े मुसलमान आप कानों में जनाब बालियां डालें, मुंदरियां डालें, हाथों में अंगूठियां पहने, नमाज एक ना पढ़े, गुसल का आपको तरीका नहीं आता, बस गुस्ताखाना कार्टून और फिल्मों के ऊपर सबसे ऊंची आवाज में नारा लगा लें आप सबसे बड़े मोमिन काम है। सहाबा के जमाने में ये क्राइटेरिया नहीं होता था, और मस्जिद के बाहर नारे मारते रहे और अजान और मस्जिद में आके नमाज ना पढ़े, नमाज के लिए को कह दे कह जी कपड़े ना पाकने मेरे, हर वक्त ही कपड़े ना पाक, तो उनको फिर यही कहना चाहिए बेशर्मो नापाक कपड़े में अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हो, जाओ पहले पाक तो हो, क्या हो यार पलीदो। दाढ़ी वाले उस दिन शर्मा रहे होते हैं कि शायद हमारा इश्क रसूल तो कोई नहीं, ये लोग आज के रसूल है, सब फ्रॉड है सर, ये लेपा पोती है, इससे कोई परेशान ना हुआ करे। हमने वाम को जो कॉन्फिडेंस लेवल दिया है ना वो यही तो है कि किसी की दाढ़ी से, किसी के नारों से, किसी के रोने धोने से, लोग दानिश की मौत पे भी रोए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लेक्चर सुनने से आंखों में आंसू आ जाए, सर ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म की टोन्स मौजूद हैं, आप फजूलियात के पीछे भी वो लगा दे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये तो एक पूरा फन है आंसू निकालना, ऐसी ऐसी आपके पास जो है ना वो बैकग्राउंड साउंड्स मौजूद है, तो इससे आप धोखा ना खाएं, इल्मी बात करें, रोना आ रहा है क्या हो गया, रोने वाले के फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ईयर तो अल्लाह ताला माता नमाज के लिए भी खड़े होते हैं तो बड़े बोझल दिल के साथ, जाहिर है जब नीयत ही नहीं और पढ़ नहीं पड़ जाए तो इसी तरह खड़े होंगे। यूरास, और वो भी लोगों के दिखाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उस जमाने के अंदर नमाज इसलिए पढ़नी पड़ती थी बंदा काफर डिक्लेयर हो जाता था। यकीन करें उस जमाने के मुनाफिक आज आ जाए ना तो कहें वाह क्या बात है, ठीक है। आजकल तो मुनाफिक बनना बहुत सौखा हो गया, उस जमाने मुनाफिक बनना भी औखा सी, मुसलमान बनना भी औखा सी, मुनाफिक भी 5 नमाजा पढ़नी पैनी है सर। आजकल मुसलमान बनना जितना आसान है ना, इससे ज्यादा मुश्किल उस जमाने में मुनाफिक बनना था। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह का जिक्र भी नहीं करते उस नमाज में मगर कम। क्या नमाज में जिक्र करना है उन्होंने जब वो खड़े ही मुनाफिकत के साथ है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक,
दावा डोल है दोनों तरफ, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना इधर के हैं ना उधर के, ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी मुसलमानों की तरफ कभी काफिरों की तरफ, कभी इधर पड़ला भारी तो इधर हो गए। सूरह बकरा में शुरू में आया था ना, इनकी मिसाल है जैसे बिजली कड़क रही हो, बारिश हो, रोशनी आए तो चलते रहते हैं और जब अंधेरा हो जाए तो रुक जाते हैं, जब हालात साजगार होंगे तो चलेंगे और जब बुरा वक्त आएगा तो रुक जाएंगे। सूरतुल हज में आया कि बाल लोग हैं जो दीन पे सिर्फ किनारे किनारे चलना चाहते हैं, ये मम्मी डैडी किस्म के मुसलमान, आजकल भी मम्मी डैडी आपको अक्सर मुसलमानों समझते हैं बस नमाज पढ़ ली है तो बस अब सब कुछ हो गया है और बाकी और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वमई युदलिल्लाहु फलन तजिदलहु सबीला, और जिसे अल्लाह ही गुमराह कर दे तो वो कभी भी हदायत का रास्ता नहीं पाएगा। अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत, आमीन। अल्लाहुम्मा हदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ए अहले ईमान मत काफिरों को अपना दोस्त बनाओ मोमिनीन को छोड़कर। अब मुझे बताएं ये हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली को तो नहीं कहा जा रहा ना कि अहले ईमान इनके साथ दोस्तियां ना गांठो, इससे मुराद ए ईमान के दावेदारो यानी मुनाफिकीन या कमजोर अकीदे वाले मुसलमान, आजकल की अक्सरियत। अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम ये इरादा करते हो कि तुम अल्लाह के हुजूर अपने खिलाफ वाज़े दलील बना लो। अल्लाह को तो पता है तुमने कहां यारियां गाठी हुई है, तो इससे पता चल गया कमजोर ईमान वालों के लिए रुए सुखन ये हो सकता है कि एक तरफ तुम अल्लाह को मान भी रहे हो तो अल्लाह के हाथ में तुम एक मजबूत दलील दे रहे हो अपने खिलाफ के दुनिया में तुमने काफिरों से भी दोस्तियां गांठी हुई थी और दिल में उम्मीद लगाई थी, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो तो माफ कर ही देगा। यार अल्लाह ताला इस तरह माफ करेगा किसी को कि आपकी वजह से मुसलमान कत्ल हो जाए, मुसलमानों का जीना दूभर हो जाए सिर्फ आपकी मनफियत की खातिर, आपने अपनी जान बचाने की खातिर कितने मुसलमानों को काफरों की भीड़ चढ़ा दिया हो और आप अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, इतना सादा मामला नहीं मेरे भाई। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और वहां उनका कोई मददगार भी नहीं होगा। काफरों से भी निचले दर्जे पे होंगे क्योंकि काफरों की दुश्मनी आयां थी, उनसे बचना दुनिया में आले ईमान के लिए आसान था, मुनाफिकीन तो अंदर से जड़ें काटते रहे, इसलिए इनकी सजा भी उनसे ज्यादा है अगरचे कलमा गो है। इल्लल्लज़ीन ताबू, अब अल्लाह ताला की रहमत की सिफ्त, हां अगर कोई तौबा कर ले, वह असलहू, और पाकिस्तानी तौबा ना हो, ये मतलब पाकिस्तान में तो काम चुक के रखो एंड तक अल्लाह माफ कर दे। वह असलहू, अपनी इस्लाह कर ले, इस्लाह का मतलब पता क्या होता है, जो करतूत किए ना पिछले उस पर शर्मिंदगी हो और दोबारा ना करे, जिन जिनका हक गसब किया उनसे माफी मांगे और आंदा ये ना करने का अहद करे, क्योंकि हुकूक के लिए बात तो अवाम ने माफ कर ले, इसीलिए कहा जाता है हुक्मरानी बड़ा मुश्किल काम है, हुक्मरान तो तौबा करने से उसकी बख्शिश ही नहीं होनी जब तक वो अवाम से माफी नहीं मांगता। सही बात है, अवाम की मर्जी माफ करें या ना करें। वअतसमू बिल्लाह, और मजबूती से अल्लाह का दामन पकड़ लो यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात को। व अखलसू दीनहुम, और खालिस कर दो अपने दीन को, लिल्लाह अल्लाह के लिए, यानी ये जो गुलाबी मुसलमान नहीं अल्लाह को चाहिए, कहते हैं टनाटन सुन्नी और वो पिपला सुन्नी, टनाटन मुसलमान चाहिए बिल्कुल। फउलाइका मअल मुमिनीन, तो ऐसे लोग हैं जो क़यामत के दिन फिर अहले ईमान के साथ होंगे या दुनिया में भी ईमान वालों में शुमार होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, और अन करीब अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है क़यामत वाले दिन।
اللهم انا نسالك جنه الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين. क्या दर्द वाली और सोजो गुदाज वाली आयत आ रही है, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र गुजार हो। कोई अल्लाह फैनेटिक नहीं है, कोई अल्लाह ताला जिस तरह लोगों ने जाली देवता बनाए हुए हैं कि जी इतने बंदों की कुर्बानी जो है फलां पहाड़ पे चढ़ के दी जाए, वो कहते हैं देवता को खुश करने के लिए। सही बात है। तो अल्लाह मतलब मुझे कोई शौक नहीं है, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे। वह आमन तुम, और ईमान ले आओगे जैसा कि ईमान लाने का हक है। तो ये अहले ईमान से खिताब हो रहा है। अहले ईमान वो जो ईमान के दावेदार हैं, कमजोर अकीदे वाले या मुनाफिकी। वरना अगर कलमा पढ़ने का नाम ही ईमान लाना है तो पहले ही लाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करो और ईमान ले आओ। अब उनको तो कहना चाहिए कि अल्लाह पाकिस्तान में तो जो नाम लिखवा ले शनाख्ती कार्ड में मुसलमान, वो ईमान वाले शुमार होता है, तू हमसे कौन सा ईमान मांग रहा है। तो इसी तो सर हम इसी को तो अर्ज करते हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और, देख ले कुरान का खुदा तो अहले ईमान को कह रहा है कि भाई देखो तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। अब उनको तो आगे से कहने की अल्लाह ईमान लाए और के करिए हूं के करिए। उनको भी पता था मतलब क्या है कि ईमान जो है वो फूलों की सेज का नाम नहीं है, अपना नाम मुसलमानों की तरह रखना नहीं है, चंद रसूमात का नाम नहीं है, ये तो टोटल ओबीडियंस का नाम है, मुकम्मल ताबे फरमान होना अल्लाह का। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है और सब कुछ जानने वाला है। देखें इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह का नाम शाकिर है, यानी जो अल्लाह की शुक्र गुजारी करे अल्लाह भी उसकी शुक्र गुजारी किस हवाले से करता है कि उसकी शुक्र की कदर करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व हमदी अदद खल्क़िही व रिदा नफ़सी व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो और ईमान ले आओ जैसा कि ईमान लाने का हक है, और अल्लाह ताला कदरदान है सब कुछ जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला कोई बंदा इस्लाह कर ले तो उसको ये भी नहीं कहेगा कि इतना अरसा तू है क्यों कीता, ठीक है अब इस्लाह कर ली पिछली सारी माफी हो जाएगी। लेकिन हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की माफी उस वक्त होगी जब अवाम से हुकूक माफ करवाए जाएंगे, उनका हक उनको वापिस किया जाएगा, खाली खुली दावा करने से नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक मांगने के ही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों ही से उसे माफ कर दे, हमें मुनाफिकत जैसे बुरे अमल से बचाए, ईमान के ऊपर इस्तकामत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين। सो गाइज़ ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरान क्लास, बहुत ज़बरदस्त ये क्लास थी। एंड जिस तरह से उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह को क्या मिलेगा यार, आपको जहन्नुम में डाल के आपको सज़ा दे के, अल्लाह का शुक्र करो है ना, शुक्र की रविश इख्तियार करो एंड फिर उसके साथ साथ ईमान लेके आओ और उसके साथ साथ अल्लाह के ताबे फरमान रहो और नाफरमानी ना करो, बस यही तो करना है, बस और क्या करना है लाइफ में। बट यही तो नहीं होता लोगों से, अगर ये दिखने में चीज़ इजी है बट लोग डेली नहीं कर सकते। अभी तहज्जुद अगर इंसान को पता है कि वो इजी है बट उसको पढ़ने के लिए भी मतलब लकी होना चाहिए भाई बंदा, भाई लक भाई बंदे के अंदर वो ताकत होनी चाहिए तहज्जुद पढ़ने की, मतलब वो सबको वो नहीं मिलता है भाई आज की डेट में, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।